नमस्कार साथियों, देखिए आज मैं आपके सामने 2021 के लिए विभिन्न स्टेट्स के लिए फर्स्ट यूनिट के जो आईएमपी क्वेश्चंस हो सकते हैं, संभावित क्वेश्चंस जो पेपर में आने हैं वह आपके लिए लेकर आया हूं। आप निश्चित तौर पर इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, एक बार विश्वास अवश्य करना पड़ेगा। मैं अपने ऐसे पूर्व के छात्रों को प्रदर्शित नहीं कर सकता आपके सामने लाकर कि सर के क्वेश्चंस बहुत फंसते हैं, लेकिन एक बार अवश्य करें विश्वास और अंत तक जाकर इस वीडियो को जरूर देखें तो निश्चित लाभ मिलेगा। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स बॉक्स में मैसेज आए कि सर वो आईएमपी क्वेश्चंस हमको चाहिए, तो आप आईएमपी क्वेश्चंस दे दें। तो उस वजह से मैंने मेहनत की विभिन्न स्टेट्स के लिए बच्चों के लिए और आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आया। तो इन बच्चे के छात्रों की जो कैटेगरी होती है, अपने यहाँ दो प्रकार के छात्र होते हैं, एक तो आईएमपी क्वेश्चंस चाहते हैं और एक ऐसे छात्र भी होते हैं जो बिल्कुल आईएमपी नहीं चाहते हैं। तो मेरी इस वीडियो को ऐसे छात्र सिर्फ देखें जो आईएमपी चाहते हैं, और जो आईएमपी नहीं चाहते हैं वो इस वीडियो से दूर रहे, वो सभी वीडियोस को देखें। तो देखिए मैं कैटेगरी वाइज मतलब एक क्लेरिफिकेशन करना चाह रहा हूं कि बच्चे किस प्रकार के होते हैं। तो बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक तो आईएमपी बच्चे होते हैं। आईएमपी से मतलब है कि ऐसे बच्चे जो सिर्फ सब्जेक्ट में पास होना चाहते हैं या बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, या फिर सब्जेक्ट में डी चाहते हैं ऐसे बच्चे, उनके लिए ये आईएमपी क्वेश्चंस हैं की वीडियो है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ब्रेन डेवलप करना चाहते हैं, ब्रेन डेवलप से मतलब है उस सब्जेक्ट को डेवलप करना चाहते हैं, उस टॉपिक को डेवलप करना चाहते हैं, या फिर सब्जेक्ट पर कमांड चाह रहे हैं। सब्जेक्ट पर कमांड चाह रहे हैं, ऐसे एक कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है स्टेट टॉप 10 की लिस्ट में समाहित होना चाहते हैं। एक कैटेगरी होती है कि जो बच्चे नीट फाइट करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये आईएमपी क्वेश्चंस नहीं है। अब डिसाइड आपको करना है कि आप किस कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं। जो आईएमपी की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं वो तो वीडियो को देखें, जो नीचे वाली कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर नंबर अच्छे लाएं, लेकिन सभी वीडियो को देखें तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी इस वर्ग में जाकर, ठीक है? बिल्कुल मुफ्त में मैं आईएमपी क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। देखिए तो मैंने जब आईएमपी क्वेश्चंस तैयार किए फर्स्ट यूनिट के, तो देखने में ये आया कि हर स्टेट में एक क्वेश्चंस को कई रूप में घुमाकर पूछ दिया गया। तो समस्या ये आई कि जब मैं यदि एक क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में जो क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है उसको मैं चार प्रकार से बोर्ड पर लिखकर बताऊं कि ये आपके लिए वीडियो है, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक यूनिट में के एक चैप्टर में ही 25 क्वेश्चंस तैयार हो गए। अब वहां हर स्टेट में उसको क्वेश्चंस को ऐसे पूछा गया, तो मेरे दिमाग में फिर आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि उस चैप्टर की प्लेलिस्ट में मेरे जो स्टोर की हुई वीडियोज हैं पार्ट वाइज, उन पार्ट को आईएमपी बता दिया जाए, जिससे आप उस वीडियो को देखें और उस वीडियो को देखने के फलस्वरूप क्वेश्चंस को फॉर्म करें। मेरे जैसे टीचर्स को बैसाखी के रूप में उपयोग ना लें क्वेश्चन आईएमपी के लिए। वीडियो में आईएमपी दे रहा हूं, आप क्वेश्चंस तैयार करिए कि इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वही आपके स्टेट में क्वेश्चंस आ जाए।
तो मैं चैप्टर वाइज ऐसा नहीं, मैंने मतलब आपको मैं बता देता हूँ प्रूफ के तौर पर, मैंने आईएमपी क्वेश्चंस जरूर निकाले। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर के यूनिट के फर्स्ट के सेकंड के ये लिखा हुआ है, क्या आईएमपी क्वेश्चंस हैं। इधर आप देखेंगे ये भी है, ये देखिए मैंने बनाए आईएमपी क्वेश्चन बनाए, पहले मैं यही देना चाह रहा था, लेकिन वीडियो तो हर स्टेट के बच्चे देखेंगे, तो वहां जब वीडियो हर स्टेट का बच्चा देखेगा तो बच्चा ये कहेगा सर हमारे यहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं किया गया, हमारे यहाँ कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो आप स्वयं उस क्वेश्चन को बनाने में माहिर हैं, वहां जवाब दे सकते हैं, तो आपका ब्रेन डेवलप होगा। मैं आपको हैंडीकैप्ड नहीं बनाना चाहता, मैं आपको सेल्फ डिपेंड बनाना चाह रहा हूं कि आप स्वयं सेल्फ डिपेंड बने और मुख्य रूप से आप क्वेश्चंस को फॉर्म करें। तो उसी लिए मैं आपके सामने क्वेश्चंस आईएमपी चैप्टर वाइज वीडियो के रूप में बता रहा हूं, उन वीडियोस को देखें और आईएमपी क्वेश्चंस को प्राप्त करें और देखिए कौन कौन से चैप्टर वाइज, चैप्टर फर्स्ट कि कौन से क्वेश्चंस के लिए कौन सी वीडियोस, पार्ट ऑब्लिक वीडियो का मतलब एक ही है, पार्ट मतलब फर्स्ट, तो वीडियो फर्स्ट हो गई, पार्ट सेकंड यानी सेकंड वीडियो प्लेलिस्ट में मेरे स्टोर है, उनको देखें, साई बायोलॉजी क्लासेस को जाकर विजिट करें और प्लेलिस्ट को खोलें, चैप्टर वाइज है वहां पर और उन आईएमपी को आप देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के लिए पार्ट वन और टू की वीडियो को देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए पार्ट 14 की वीडियो को देखें। पार्ट 14 की जो वीडियो है ये आपको मैं इंडिकेट किए देता हूं, सेकेंड चैप्टर, क्या सेकेंड चैप्टर की वीडियो है 14 नंबर की, उसको देखें, यहां ये इंडिकेट है ये वाला। अब फोर्थ के लिए और फिफ्थ के लिए आप पार्ट थर्ड और फोर्थ की वीडियो को देखें और सिक्स के लिए पार्ट वन और पार्ट फाइव की वीडियो को देखें। बस इसमें केवल इतनी ही वीडियो तैयार करनी है आपको, अच्छे नंबर के लिए, पास के लिए और डी के लिए, क्लियर। ये अब सेकेंड चैप्टर में देखिए, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट और सॉल्ट। देखिए तो इसमें आप पार्ट वन की वीडियो को देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पार्ट टेन और पार्ट इलेवन की वीडियो को देखें, क्योंकि यहां क्वेश्चंस को एक क्वेश्चंस को दो रूपों में पूछा गया है, इस वजह से देखें। और क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए पार्ट 21 की वीडियो को देखें और क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए पार्ट 13 की वीडियो को देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के लिए वही आ गया पार्ट वन की वीडियो को देखें और क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए पार्ट 18, क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए पार्ट 19 की वीडियो को देखें और क्वेश्चन नंबर एट के लिए पार्ट 15 की वीडियो को देखें। और शॉर्ट टाइप के एमसीक्यू, वन वर्ड वगैरह इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए पार्ट 20 और पार्ट
20 और 23 की वीडियो को देखें। आपको इस चैप्टर की इतनी वीडियो में से सभी स्टेट्स के लिए जो भी क्वेश्चंस बनेगा उसमें से निश्चित मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। एक बार अवश्य विजिट करें साई बायोलॉजी क्लासेस पर। फिर आता है चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड में आप देखें तो क्वेश्चन वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर नाइन। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर वन में कौन सी वीडियो देखें जिसमें से आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ सकते हैं। तो देखिए पार्ट वन और थ्री की वीडियो को देखें, पार्ट वन और थ्री की वीडियो को देखें, इसमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए पार्ट सिक्स और नाइन की वीडियो को देखें, 100% क्वेश्चंस मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए पार्ट एट और पार्ट टेन की वीडियो को देखें, क्वेश्चन नंबर फोर के लिए पार्ट फोर की वीडियो को देखें, क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए पार्ट 14 की वीडियो को देखें, क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए पार्ट 13 की वीडियो को देखें और क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए पार्ट सेकेंड और 18 की वीडियो को देखें और क्वेश्चन नंबर एट के लिए पार्ट 17 की वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर नौ, जो शॉर्ट टाइप के जो आंसर बनते हैं या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं या दो नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसमें पार्ट फाइव और पार्ट सिक्स की वीडियो देखें। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि इनमें से हर प्रकार का क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर फोर सॉरी तो चैप्टर नंबर फोर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस आपके लिए फंसते हैं। तो कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो देखिए यहां पार्ट फोर को देखें, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैप्टर फोर देखेंगे और उसमें वीडियो आपके क्रम से लगी हुई है, उसमें देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए पार्ट सेवन की वीडियो को देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए बहुत सारी वीडियो है जो आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जैसे पी नाइन, पी सेवन, पी सेवन तो ऊपर बता चुका हूं, पी नाइन, पी एट, पी फाइव, पी सिक्स और पी सेवनटीन। सेवनटीन आप देखेंगे तो ये वाली वीडियो आपको देखनी है, सेवनटीन वाली यहां पर भी है, क्योंकि यहां सेवनटीन वाला नहीं है, ये वाला इतना पोर्शन ये इसका है, मतलब थर्ड वाला आप यहां तैयार करते तो वो यहां भी तैयार हो जाएगा। तो देखिए मेरे द्वारा आपको ये आईएमपी वीडियोस बताई गई है, ना कि कोई क्वेश्चंस बताया गया, क्यों उसका रीजन है सीधे सीधे मैं आपसे शुरू से बोला था कि अंत तक जरूर देखें। आपको मैं सेल्फ डिपेंड बनाना चाहता हूं, ना कि मेरे जैसे शिक्षक की बैसाखी पकड़ाकर आपको कि सर हमको क्वेश्चन दे दीजिए। आप इन वीडियोस को तैयार करें और इन वीडियोस को तैयार करने पर निश्चित तौर पर आपको जो भी क्वेश्चन जिस स्टेट में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहां प्राप्त हो जाएंगे, क्या सभी क्वेश्चंस आपको निश्चित तौर पर इन वीडियोस में से मिल जाएंगे और आपका ब्रेन भी डेवलप होगा,
आप क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे, आपको टीचर्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, सिर्फ ये डिपेंड रहना पड़ सकता है कि सर कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको वीडियोस बता दी, इसमें से आपको एमसीक्यू, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक, मैचिंग एवं लॉन्ग शॉर्ट आंसर सभी प्रकार के मिल जाएंगे। तो मेरा सभी अपने छात्रों से यही निवेदन है कि आप इन वीडियोस को अवश्य देखें, और ऐसा कोई क्वेश्चंस जो आईएमपी ना आए तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के बाद मुझसे निश्चित विजिट करें, मुझसे निश्चित मिले कि सर इनमें से क्वेश्चंस एक भी आपका नहीं फंसा, तो मैं आपको फिर निश्चित तौर पर, ठीक है, तो देखें अवश्य। ये आप तैयार करें, इतनी वीडियो ले लीजिए स्क्रीनशॉट।